शाम के अंदर गए। तुम समझते हो कि तुम्हारे घर में ये बेहतरीन इलाज है, और फिर 15 शाबान गुजरी है, 15 शाबान दोबारा आएगी, याद करो टॉपिक जो है वो दोबारा मौका नहीं मिलता। मैंने पूरी जिंदगी में ये पहली दफा जादू पे तकरीर किया, मैं करते ही नहीं, तो क्योंकि लोग बहुत परेशान है बेचारे। फला और देखो कुलाउज़ बिन नास फलक और कुलहुल्ला ये और आयतल कुर्सी और आमन रसूल ये अपने वजीफे में याद कर लो, बस रख लो इनको। ये देखो ये पेपर इस तरह बना के उसको लेमिनेशन करके रख लो, जहां निकले उनको पढ़ लिया। ये अभी जो मैंने पिछली दफा बताया था कि 14 सजदा की आयात जो है वो पढ़ने, जो भी किसी को मुश्किल होती है एक ही जगह पर बैठ कर वो 14 आयात पढ़े और वही 14 सजदे करे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को हल फरमा देता है। हमारे दोस्त कॉपी करके लाए हैं, ये पढ़ी है, ले जाना। अगर आयात की समझ ना आए तो नेट पे जाकर ये नीचे मैंने उसको लिख दिया है, हवालों को भी लिख दिया, वहां जाके आयत को सामने साफ करके जो है वो लिख लेना, पढ़ते जाओ और इनको अपनी जुबान पर लिख के लोगों को भी दो ताकि ये आयात पढ़े और वही जो है वो 14 सजदे वही करने हैं। 14 सजदे करने के बाद अब आपने दुआ मांगनी है तो भले से सजदे में दुआ मांगो, भले से सजदे से उठ के दुआ मांगो। तो देखो खवातीन हज़रात, जो भी जादू का असर जिस पे है सबसे पहले तो तुम पाक रहो। और ये एक बात और सुन लो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा फिर दुनिया का कोई जादू भी तुम पे असर नहीं कर सकता। जब अल्लाह तुम्हारा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में तो जादू सबसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन शैतानों की किताबें छीन कर अपने इसके मिंबर के नीचे दबा दी। ये शैतान इसी तरह के जुमले बोला करते थे, आपने इनकी किताबें लेके दबा दी कि ये दोबारा कर ना सके, उनके दोस्त में ये ज्यादा उठा था। जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए शैतान आ गया बंदे की शक्ल में, क्या लगा इधर आओ तुम्हें मैं बताऊं। ये पता सुलेमान की इतनी हुकूमत पावरफुल क्यों थी, ये हवा में कैसे उठते थे, सारे इनके पीछे क्यों चलते थे, ये सब जादू था। और मैं तुम्हें बताता हूँ, मिंबर उठाया, जगह खोदी, नीचे से वो बुक्स निकली। अब यहूदियों को तो पता नहीं था, उनको पता चले ये है वो असल में मंत्र, ये स्पेल्स है, ये मैजिक है जिसे पढ़कर सुलेमान हुकूमत करता था, बस वो दुनिया में फिर वो फैल गया। तो हमारे इस्लाम ने आकर कहा देखो इन चक्करों में तुमने नहीं पढ़ना, तुम्हें जब कुरान दे दिया है तो वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कुरान के अंदर हर बीमारी का शिफा है। अल्लाह ताला हमें हर शय से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।